तो रॉयल पैलेस देखने बाद हम आए हैं म्यूज़ियम ऑफ जिनोसाइड, जो कुछ ही समय में बंद होने वाला है, तो हमें क्विकली रैप अप करना पड़ेगा। लेट सी कितना देख सकते हैं। तो जब हम टिकट काउंटर पे पहुँचे तो इन्होंने कहा कि म्यूज़ियम अभी क्लोज़ होने में है, ज़्यादा आपको देखने नहीं मिलेगा और ऑडियो टूर भी अभी बंद हो चुका है। सो क्या आप फिर भी जाना चाहेंगे? लेकिन हम एक घंटा ड्राइव करके यहाँ पहुँचे थे, रास्ते क्लोज़ थे, ट्रैफिक था, इसलिए हम फिर से कल यहाँ नहीं आना चाहते थे। तो अनफॉर्चुनेटली जितना भी हमें देखने मिल सकता था वो हम देखने को तैयार थे। और टिकट यहाँ का था $6, तो हमने $6 टिकट पे किया। और जब हम पहुँचे तब यहाँ पे कोई भी नहीं था, शायद हम ये आखिरी विजिटर्स थे क्योंकि ये क्लोजिंग टाइम था। तो उसका फ़ायदा ये भी हुआ कि हम अच्छे से आराम से सब कुछ देख भी पाए, बट अनफॉर्चुनेटली ऑडियो टूर बंद था, तो हमें गूगल सर्च करके और विकिपीडिया पे पढ़ के अंदाज़ा लेना पड़ा कि एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या था और किस चीज़ का ये म्यूज़ियम है। ये सारी डिटेल्स हमने गूगल की, और जब गूगल की तो ये रियलाइज़ किया कि दिस हैज़ टू बी द सैडेस्ट प्लेस आई हैव एवर विजिटेड इन माई लाइफ। बहुत ही क्रूर और बहुत ही दर्दनाक ऐसी इस जगह की हिस्ट्री है, जो मैं थोड़ी बहुत आपको एक्सप्लेन करूँगा अभी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन बहुत बहुत बुरा हुआ इस जगह कई सालों पहले, और अगर इसकी तुलना मैं हिटलर का जो कॉन्सनट्रेशन कैम्प था उससे करूँ तो भी गलत नहीं होगा। दोनों ही जगह बेकसूर लोगों को बड़ी क्रूरता और निर्दयता से मारा गया है। अभी जो सामने आप हजारों स्कल्स देख पा रहे हो, इन्हें कैटेगराइज करके रखा हुआ है बेस्ड ऑन कौन सा हथियार यूज करके इन्हें मारा गया था, उसके बेसिस पे इन्हें अलग अलग करके रखा हुआ है। सामने आप देख पा रहे हो किसी को कुल्हाड़ी से मारा गया है, किसी को शॉवल से मारा गया है, किसी को मशेटी से मारा गया है। आगे हमने देखा कि कुछ कुछ लोगों के स्कल के अंदर कील ठोक के उन्हें मारा गया है। बहुत ही बर्बरता के साथ ये सब काम हुआ था 1975 से लेकर 1979 के बीच में। आप स्कल्स पे मार्क्स भी देख पा रहे होंगे कि अगर आप किसी के स्कल पे जोर से वार करते हो तो स्कल जो टूट जाता है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। हर स्कल पे वैसे मार्क्स बने हुए हैं। तो बहुत ही एक्सट्रीम ये जो घटना थी 1975 से लेकर 1979 तक चली कंबोडिया में। जो यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने ये सब किया था। तकरीबन 15 से 20 लाख लोगों को ऐसे ही मारा गया था। और ये जो आप कपड़े देख पा रहे हो ये उन्हीं लोगों के हैं जो बारिश के सीज़न में ग्रेव से बाहर आ जाते हैं। ऐसी एक नहीं, लगभग 24,000 मास ग्रेव साइट्स है अक्रॉस कंबोडिया, जहाँ पे तकरीबन 13 लाख लोगों के स्कल्स मिले हैं। और ये जो फील्ड्स है इन्हें किलिंग फील्ड्स भी कहा जाता है। तो ये जब हम देख रहे थे तो काफ़ी हमारा मन भी उदास हो रहा था कि कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। ये एक्चुअल म्यूज़ियम किलिंग साइट पे ही बना हुआ है। यही मास ग्रेव साइट थी, वन ऑफ द 24,000। और यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेटिव बोर्ड्स लगा के रखे कि कैसे कैसे लोगों को लाया जाता था, कहाँ उन्हें रखा जाता था और कैसे उन्हें मारा जाता था। तो यहाँ पे लिखा है कि ट्रक से उन्हें लाकर या तो डायरेक्ट मार दिया जाता था या फिर अंधेरी कोठरी में रखा जाता था, और उसके बाद उन्हें एज पर द कन्वीनियंस ऑफ दोस क्रूएल पीपल मारा जाता था। ये वो कैंप था जहाँ पे लोगों को रखा जाता था, क्योंकि जिस दिन 300 से ज़्यादा लोग रहते थे तो इतना एग्जीक्यूशन, इतने लोगों को एक साथ मारना पॉसिबल नहीं होता था। तो इन्हें टेम्पररीली ऐसे एक वुडन रूम में रखा जाता था। इसी जगह पे जो एग्जीक्यूशनर्स थे उनका भी घर या उनका ऑफिस रहता था, वो दिन भर यही रहते थे। और दे हैड इलेक्ट्रिक सप्लाई एज वेल, ताकि अगर उनको रात को एग्जीक्यूशन करना पड़े तो वो भी कर पाए। एक और अलग से जो रूम थी वो थी केमिकल स्टोरेज के लिए, क्योंकि जब आप इतने सारे लोगों को एक साथ मारते हो तो जाहिर सी बात है कि स्मेल भी काफ़ी आ सकता है और आसपास के लोगों को
शक ना हो कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो इसलिए इतना सारा केमिकल इन्हें डेली बेसिस पे लगता था। एक बात और यहाँ पे कि ये फील्ड के आसपास जो रहने वाले लोग थे, इनको पता भी नहीं था कि यहाँ पे ये सब चल रहा है। इतनी चालाकी से ये सब काम को अंजाम दिया गया है, और जब ये एक्चुअल एग्जीक्यूशन करते थे तो स्पीकर्स पे बड़ी आवाज़ में अनाउंसमेंट चलती थी या गाने चलते थे ताकि लोगों को पता ना चले कि अंदर लोग चीख रहे हैं और उनका एग्जीक्यूशन किया जा रहा है। तो बड़े प्लानिंग के साथ में यहाँ पे लोगों को ला ला कर मारा जाता था। इस पोस्टर में वो सारे हथियार दिए गए हैं जिनसे लोगों की जानें ली गई थी। आप देख सकते हो कि देख के ही आपके आंख पे कांटा आ जाएगा, ऐसे वो हथियार है जो हमें गलती से छू भी जाए तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। और ऐसे हथियारों से लोगों को मारा गया था। किलिंग टूल का अलग से एक स्टोरेज रूम था जहाँ पे ये टूल्स सारी रखी जाती थी और उसका यूज़ करके लोगों को मारा जाता था। ये जो आप सामने देख पा रहे हो, यह है एक्चुअल ब्यूरियल साइट। यहाँ से ही स्कल्स, बोन्स और कपड़े इन्हें रिकवर हुए हैं। वैसे जगह तो काफ़ी सुंदर है, बाय द रिवर है, लेकिन यहाँ पे ये सब हुआ है। इट्स वेरी पेनफुल। आप जो ग्लास बॉक्स में देख रहे हो वो विक्टिम्स के कपड़े हैं जो बारिश के सीज़न में कहते हैं कि अभी भी ज़मीन से निकल कर बाहर आ जाते हैं। ये जो सामने बॉक्स रखा हुआ है इसमें है बोन्स, स्कल्स इन्होंने एक जगह अलग रखे हैं, लेकिन बोन्स जो है ऐसे बॉक्सेस में यहाँ कलेक्ट करके रखे हुए हैं। और जो लाउड स्पीकर की मैं बात कर रहा था, ये जो आप सामने पेड़ देख रहे हो इसके ऊपर स्पीकर लगाए जाते थे ताकि आसपास के लोगों को शक ना हो कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे मेमोरियल भी बना हुआ है और इस पे मॉम और बेबी का स्टैचू भी लगा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस पीरियड में ये सब हुआ, किसने किया, क्योंकि मरने वाले में सारे एज ग्रुप के लोग थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, औरतें थी, तो उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है। हम बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे।